नमस्कार बच्चों बच्चों, आज हम जो 8th क्लास का मैथ है उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे और चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज, हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। हमें ये जो रैशनल नंबर दिए हैं यहाँ पर हमें कोई प्रॉपर्टी यूज करके इनका जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो कि जो रैशनल नंबर है ये इनके बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन भी है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन है। और हम एक चीज देख सकते हैं कि ये नंबर यहाँ पर कॉमन है और ये दोनों एक जैसे हैं। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी है कि इस नंबर को बाहर कॉमन निकाल कर और फिर हम इसको ब्रैकेट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अपने प्रॉपर्टी को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। आपके पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या करते हैं हम कि जो एक फैक्टर कॉमन है, जो रैशनल नंबर कॉमन है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद जो ब्रैकेट में बचता है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले इन दोनों को हम पास पास लिख लेते हैं क्योंकि यही वो नंबर हैं जिनमें एक रैशनल नंबर कॉमन है। तो ये आपका आ गया। और दूसरा नंबर क्या है बच्चों, ये है 3/5 इंटू 1/6। और जो दूसरा नंबर है 5/2, उसको हम अलग लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर माइनस का जो साइन है वो भी कॉमन है और ये जो 3/5 है यह भी कॉमन है। तो इसको हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, -3/5 यह है कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2/3 बचेगा। क्यों? क्योंकि हमने माइनस भी बाहर कॉमन ले लिया है और जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर जो साइन है ये बदल जाता है, ये प्लस, और 3/5 बाहर आ गया है तो यह 1/6 यहाँ पर बचता है। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 5/2 ये इस प्रॉपर्टी से बाहर है क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर -3/5 ऐसे ही रहेगा और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, इजी है, 6 आएगा, 3 2 6 4 और यहाँ पर 6 बन जाइए तो ये आ जाएगा और ये 5/2। अब इसको -3/5 यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, इसको ऐड करेंगे ये 5/6। तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 1 1 पे, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ये आ गया और साथ ही हमारा नंबर जो है 5/2 वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या नंबर बचे हैं, यहाँ बचा है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और साथ में माइनस का साइन है तो 1/2 और यहाँ पर 5/2। अब इनको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे और एलसीएम क्या है, 2। तो जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 5। तो दोनों नंबर्स क्या है, साइन अपोजिट हैं तो नंबर्स को माइनस करते हैं और साइन क्या रहेगा, बड़े वाले का, जो ग्रेटर नंबर है। तो माइनस किया 4 आया और ग्रेटर नंबर हमारे पास 5 है तो पॉजिटिव साइन आएगा और कटिंग करने के बाद आपका 2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है वो 2 आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही बच्चों आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब आपने देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर कॉमन है। तो आप देखोगे ये 2/5 और 2/5 है तो इन दोनों को हम पास पास लिख लेंगे। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 और यहाँ पर ये +1/14 इंटू 2/5 और जो नंबर है -1/6 वो हमारे पास यहाँ पर बच जाता है। अब यहाँ पर 2/5 को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, -3/7। नेक्स्ट यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ बचेगा 1/14, ये 1/14, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। -1/6 पहले से ही वही है, वो वहीं पर लिखा रहेगा। अब 2/5 को लिखते हैं और
जो ब्रैकेट में हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उससे पहले हम एलसीएम लेंगे, 7 और 14 का जो एलसीएम है वो 14 आएगा। तो यहाँ पर ये 14 आ गया, 7 2 या 14, 2 को ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 6 आएगा, और ऐसे ही यहाँ पर 14 को 1 से करें, ये 14 से करेंगे 1 आएगा, और ऊपर हमारे पास पहले ही 1 है। ये जो -1/6 है ये ऐसे ही रहेगा। तो अब देखते हैं 2/5 माइनस करेंगे, क्योंकि नंबर्स क्या हैं उनके साइन अपोजिट हैं, तो हम नंबर्स को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन जो आता है ग्रेटर नंबर का आता है। तो 6 में से उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, और जो साइन है वो ग्रेटर का होगा, और बाय में यहाँ पर 14 -1/6 आ जाएगा। जो अब कटिंग है वो कटिंग कर लेंगे, ये 2 1 जा 2 और 2 7 जा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, यहाँ बचा है माइनस और 1/7, माइनस का साइन है और 1/7, और यहाँ पर -1/6। अब इसको हम एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे, और एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 42 आएगा। तो यहाँ पर 7 6 जा, 6 से ऊपर करेंगे ये, और 6 7 जा, तो -13/42 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसका यूज किया है, और इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट करते हैं, राइट द एडिटिव इनवर्स। आपने एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा है कि जो एडिटिव इनवर्स है, जो हमारा नंबर है कि उसका जो अपोजिट है, इनवर्स क्या है एडिटिव, एडिटिव के लिए कौन से साइन ऐड प्लस और माइनस का यूज करते हैं, तो जो उसका इनवर्स है वो उसका नेगेटिव होगा। या एडिटिव इनवर्स का मतलब एडिटिव प्लस साइन है और इनवर्स उसका नेगेटिव होगा। तो ये आप इजीली कर पाओगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर एक्स है और उसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव आएगा उसका, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा उसका, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू -x, ये उसका एडिटिव इनवर्स होगा उस नंबर का। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो 2/8 है, तो हमें इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल टू माइनस और 2/8 यहाँ पर लिख लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा -2/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी यही करना है आपने। तो अब आप इजीली कर सकते हो कि अगर हम इसको एक्स मानते हैं, एक्स इज इक्वल टू -5/9, तो जो इसका एडिट इनवर्स होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स इसका एडिट इनवर्स होगा। तो माइनस, और यहाँ पर पहले ही माइनस है 5/9, तो माइनस माइनस प्लस 5/9 इसका एडिटिव इनवर्स होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपने क्या निकालना है, यहां पर थर्ड क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल टू -6/-5। तो पहले इस नंबर को क्या है, इसको जो साइन है ये साइन अप डाउन है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आता है, ये +6/5 आ जाएगा। अब इसका हम एडिटिव इनवर्स निकाल लेंगे, तो एडिटिव इनवर्स निकालने का आपको पता है कि हम क्या करते हैं, उसी नंबर का नेगेटिव कर देते हैं, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू -x आता है, और हमारे पास हमने एक्स किसको लिया है, +6/5, तो हमारे पास +6/5 ये आया है। प्लस माइनस को करेंगे जब मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा, और 6/5 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपका फोर्थ पार्ट है, तो ये पार्ट आप खुद से भी कर सकते हो। अब इजी है कि एक्स इज इक्वल टू 2/-9, और जो इसका एडिट इनवर्स है वो क्या होगा, -x के इक्वल होगा।
और माइनस और एक्स की वैल्यू क्या है, वो है 2 अपॉन -9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस ये साइन बीच में आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 9, ये आपका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ये है, ऐसे ही आपका इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में एक्स इज इक्वल टू 19 अपॉन -6 और एक्स इज इक्वल टू -19 अपॉन 6, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकाल लेंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x, और हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो है -19 अपॉन 6। यहाँ पर दोनों साइन नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 19/6 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम जो एडिटिव इनवर्स है वह निकाल सकते हैं।